सो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग और मॉर्निंग को जो खाना बनने वाला है वो मैं बना रही हूँ। तो खाने में मैं बना रही हूँ यहाँ पर लाल भाजी की सब्जी, और बस वही मैं तड़का लगा रही थी। और रोटी और चावल बनेगा। मॉर्निंग को नाश्ता तो हो गया है सबका, उसके बाद में मैं बना रही थी यहाँ पर खाना। तो खाने से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, और लाल भाजी बनाने के लिए मैंने तड़का दे दिया है जिसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च और सूखी वाली जो मिर्च होती है वो भी मैंने डाला है, टमाटर डाले हैं और मिर्च पाउडर भी डाला है, हल्दी वगैरह जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये सब चीज़ें मैंने ये तड़के में डाला हुआ है। और इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद में अच्छे से हो जाए, उसके बाद में ब्राउन होने के बाद में मैं ये जो लाल भाजी है ये लाल भाजी मैं तड़के में डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं ढक दूंगी, और फिर हमारी बन जाएगी लाल भाजी। काफ़ी टेस्टी बनने वाली है आज की सब्जी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसे लगा मेरी सब्जी का ये तड़का, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं बनाऊंगी रोटी और चावल जो भी होगा बचा हुआ, और उसके बाद मैं आज फटाफट से मुझे काम करना है क्योंकि आज तो बहुत स्पेशल डे है, आज है 11 यानी एकादशी। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी है रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से हम रोटियां, और एज़ यूजल रोटियां बनाना तो बहुत स्पीड में होता है मेरा, और बहुत अच्छी अच्छी रोटियां बनती है मेरे से, तो बस वही मैं बना रही हूँ यहाँ पर। वैसे भी आजकल मैं किचन के व्लॉग्स आपके लोगों के साथ में शेयर नहीं करती हूँ, एंड अपने डेली रूटीन के व्लॉग्स भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, किसी कारण की वजह से मेरे बिज़ी थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ इसीलिए मैं अपने डेली व्लॉग्स नहीं डालती हूँ। तो जो भी स्पेशल डेज़ होते हैं मैं वो व्लॉग डालती हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग तो प्लीज़ मुझे मेरे ये व्लॉग्स को देखिएगा, और जो भी स्पेशल व्लॉग्स होते हैं देखिएगा, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और लाइक एंड शेयर प्यार ज़रूर दें फ्रेंड्स मेरे इस व्लॉग को और सारे व्लॉग्स को। तो यहाँ पर हमारी रोटियाँ बन गई है, हो गई है कम्प्लीट, और उसके बाद में मैं गैस वगैरह जो है पूरा किचन जो है खाना बनने के बाद मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, तो बस मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पर हम कर लेते हैं किचन अच्छे से क्लीन, और किचन क्लीन होने के बाद में बस थोड़े मोड़े से काम होंगे जो मैं कर लूँगी, कुहू की मालिश, कुहू को नहलाना वगैरह होता है, और बाकी थोड़े मोड़े से काम होते हैं वो सब करने के बाद में। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं अपने घरों में। और आज एकादशी है, 11 है आज, तो आज एकादशी के दिन हमारे यहाँ तुलसी की पूजा होती है जो दिवाली के बाद में आता है एकादशी, तो आज तुलसी पूजन होगी हमारे घर में, तुलसी की पूजा होगी। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज, और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ आज का पूरा व्लॉग, पूरी रूटीन के साथ में तुलसी पूजा कैसे होती है हमारे यहाँ पर। और काफ़ी धूमधाम से होती है तुलसी पूजा, तो जैसे शादी होती है वैसे ही तुलसी माता की शादी होगी आज, तो इसलिए हम तुलसी पूजा करेंगे। तो आज का पूरा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अगर आप लोगों को पसंद आता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस ब्लॉग की तरफ और देखते हैं आज का पूरा ब्लॉग। तो सारे काम कंप्लीट होने के बाद में मैंने नहा लिया है, और नहाने के बाद में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे गिर गया टोनर, जो कि राइस टोनर है, मैंने आप लोगों को बताया था गुड वाइब्स का ये राइस टोनर है जो मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ डेली। इसके बाद में मैंने यहाँ पर अप्लाई किया अपने फेस पे नरिश ओट्स का मॉइस्चराइज़र जो कि मैं डेली अप्लाई करती हूँ, और ये विंटर के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को, और 600 या 700 समथिंग का कुछ है, बट बहुत अच्छा है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी स्किन हो जाती है इसे यूज़ करने के बाद में, एकदम सॉफ्ट स्किन हो जाती है। और इसके बाद में एज यूजल मैं यहाँ यूज़ किया है मैंने वेस्लिन, जो कि मैं लिप्स के लिए यूज़ करती हूँ डेली, सिंपल सा सिर्फ वेस्लिन यूज़ करती हूँ या फिर कोई अच्छा सा लिप बाम यूज़ कर लेती हूँ मैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी बॉडी मॉइस्चराइज़र जो कि विंटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर मैंने शिया बटर वाला, ये देखिए शिया बटर वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी मैं अपने बॉडी के लिए, अपने हैंड पे लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा विंटर में ड्राई हो जाते हैं हमारे हाथ वगैरह, तो मैंने ये यूज़ किया है। और इतना तो मैं डेली रूटीन में करती ही हूँ फ्रेंड्स, टोनर मॉइस्चराइज़र ये दो चीज़ अप्लाई करती ही हूँ डेली एनी हाउ। और ये देखिए यहाँ पर कुहू और कुहू के साथ वाले बच्चों की मस्ती, शाम हो गई है यहाँ पर, शाम होने के बाद मैंने बनाया था चाय, तो पापा मम्मी और मैं पी रहे थे चाय क्योंकि शाम हो गई थी और विंटर का टाइम है, तो चाय का कुछ अलग ही मज़ा है। और फ्रेंड्स,
मेरे देवर जी और मेरे हस्बैंड नहीं हैं क्योंकि वो ऑफिस गए हुए थे, तो हम तीनों ही थे और कुहू थी, कुहू की फ्रेंड थी, तो यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पी ले रहे थे। और उसके बाद में हम तैयारी करेंगे तुलसी पूजन की, यानी तुलसी विवाह होने वाला है आज, तो हम तुलसी पूजन की तैयारी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट होगी तुलसी पूजन की तैयारी और राधा कृष्ण की मूर्ति है तुलसी माता के पास में, जो कि बोलते हैं होना ही चाहिए राधा कृष्ण की मूर्ति। और देखिए मैंने रंगोली, सुंदर से रंगोली निकाली थी, तुलसी की विवाह होने वाला है इसलिए, और कुछ ऐसी है मेरी रंगोली। और ये है मेरी कुकू मैडम जो मस्ती कर रही थी, और काफ़ी से सारे लोग आएंगे आज तुलसी विवाह में। हम लोग इनवाइट करते हैं अपने आस पड़ोस के लोगों को, एरिया के लोगों को। और यहाँ पर मैं सबसे पहले लाल कपड़ा मैंने ढक दिया है तुलसी जी को, क्योंकि आज उनका उनकी शादी, उनकी पूजन होगी, तो मैंने लाल कपड़े से ढक के और उनको तिलक वगैरह लगा के मैं उनकी पूजा करूँगी अच्छे से, और सभी लोग पूजा कर लेंगे। पूजा होने के बाद में फिर तुलसी विवाह होगा और फिर आरती होगी, तो बस मैं यहाँ पर वही कर ले रही हूँ। और यहाँ पर मैंने राधा कृष्ण की मूर्ति को भी तिलक लगा दिया है और तुलसी माता को भी तिलक लगा दिया है, और अच्छे से मैंने पूजन कर लिया है। सब लोग यहाँ पर पूजा कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए पूजन होने के बाद में पूरा लुक तुलसी माता की पूजा होने के बाद, और रंगोली के पास मैंने दिए जला दिए हैं, पूरा रंगोली का और तुलसी जी का लुक कैसा आता है, कितना अच्छा लग रहा है, वो मैंने आप लोगों को दिखाया है यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इतने सारे लोग आ गए हैं और लाइन से बैठ गए, और मेरी फ्रेंड है जो ब्लॉग में देखकर हाय बोल रही थी, तो आप लोग भी उसे हाय बोल दीजिएगा फ्रेंड्स। कौन है बाराती ही हमारे? पूजा। और देखिए यहाँ पे सब लोगों के लिए मैंने ये मुरमुरे का जो कच्चा चिवड़ा होता है वो बनाया है मैंने सब लोगों को देने के लिए पूजन के बाद में। और यहाँ पर पूजन स्टार्ट हो गया है, विवाह स्टार्ट हो गया है। तुलसी माता का विवाह संपन्न होने के बाद में यहाँ पर हम करेंगे आरती, जो कि मैं स्टार्ट कर दी हूँ मैंने आरती, और आरती होने के बाद में हो जाएगी कंप्लीट तुलसी विवाह, और नाश्ता वगैरह भी कंप्लीट हो जाएगा मेहमानों का यानी बारातियों का। और सब कुछ होने के बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने घर के लिए ऐसे ही कुछ मंगोड़े बनाए हुए थे जो कि लहसुन के पत्ते के हैं, जो मैंने बनाए थे यहाँ पर। और ये देखिए, ये है उसका बैटर जो भिगा के रखा था मम्मी ने, तो वही बना रहे थे हम लोग रात के खाने के लिए। थोड़ा सा कुछ स्पेशल होना चाहिए बस इसीलिए। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ, रात हो गई है और तुलसी पूजन भी हो गई है। कुछ ऐसे होती है हमारे यहाँ पे तुलसी पूजन, मैंने आप लोगों को जैसे बताया आज का दिन जो था एकादशी वाला दिन था, ग्यारस का दिन था, तो तुलसी विवाह होता है। तुलसी विवाह यानी तुलसी की पूरी अच्छे से पूजा की जाती है और फिर उसके बाद में तुलसी माता का विवाह किया जाता है शालिग्राम देवता से। तो बस ऐसे ही था कुछ आज का व्लॉग, पूरी रूटीन के साथ में थोड़ी मोड़ी रूटीन भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का पूरा व्लॉग, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। और आप लोगों के यहाँ पे भी एकादशी यानी देव उठनी बोलते हैं इसे, ग्यारस की पूजा बोलते हैं, कैसी होती है आप लोग मुझे बताइएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।